ليس بأمانيكم ولا أمانيك أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. अल्लाह ताला बयान फरमा रहे थे पिछली याद में कि शैतान को जब अल्लाह ताला ने इरादा तदा फरमाया, उसने अल्लाह की नाफरमानी किया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी जो है बारगाह से निकाल दिया, उसको अल्लाह ताला ने उसके मुकाम मरतबे से गिरा दिया। तो अब जो है वो बजाय इसके कि अल्लाह से माफ़ी मांगता, तौबा करता कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, तो उसने बेवकूफ़ी की राह अख्तियार की। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि शैतान बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इबलीस बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, कि इतना बड़ा मुकाम पाया इसने, इतना बड़ा दर्जा पाया, और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से, अकड़ गुरुओं की वजह से उसको बरकरार नहीं रख सका और अल्लाह की बारगाह से गिर गया, अल्लाह की बारगाह से खारिज हो गया, मलूम कहना अल्लाह के यहाँ अल्लाह ने दूर कर दिया, उसे बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा हुआ था। तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये बड़ा बेवकूफ़ है, ये अक्लमंद नहीं है। तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने जो है उसके बारे में यही पिछली शिस्तों में जिक्र किया था कि जहाँ अल्लाह ताला ने कहा था कि इन्ना कैद शैतान का ना ज़ईफ़, कि जो शैतान की कैद है, उसका चाल है, उसकी जो है जो साजिशें हैं, अल्लाह ने फरमाया था वो बड़ी कमज़ोर है, बड़ी ज़ईफ़ है। तो जब तक मैंने खुद उस आयत मुबारका को नहीं पढ़ा था, तो मैं खुद शैतान से बड़ा डरता होता था, कि मैं समझता था कि ये बड़ा तजुर्बाकार है और बड़े मुकाम पे पहुंचा हुआ था, और इसको अल्लाह के जिन मतलब जो है चीज़ों का पता है हमें नहीं पता, जितना अल्लाह का ये करीब था, जितनी अल्लाह की कायनात को मखलूकात को इसने देखा अगर हमने नहीं देखा, जितनी ज़िंदगी इसकी है हमारी नहीं है। तो मैं अपने तौर पे शैतान से बड़ा डरता हूँ। तो जो है जब ये आयत मुबारक मैंने पढ़ी जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि कैद शैतान का ज़ईफ़, कि शैतान की तदबीरें इसकी चालें ये बड़ी कमज़ोर है, बड़ी ज़ईफ़ है, तो ये पढ़ के मैं एक तरह से शेर हो गया और मुझे हौसला मिला, हिम्मत मिली, और मैंने सोचा कि हाँ वाकई बात तो इसी तरह है कि अगर शैतान कोई अक्लमंद होता, सयाना होता, समझदार होता, तो ये अल्लाह की बारगाह से खुद गिरता, खुद अल्लाह की नज़रों में दूर होता, और अल्लाह इतना बड़ा मुकाम पा के अल्लाह के हाँ तो ये नीचे गिरता वहाँ से, तो ये वाकई बेवकूफ़ है, इसको जो है अकल और शोर की कमी इसके अंदर, और जो गलत सिफात है वो इसके अंदर गलत है, जो इसको बरकरार ना रख सके अल्लाह की बारगाह के अंदर मुकाम इसका बाकी ना रख सके। तो जो है ये जब अल्लाह की बारगाह से निकलने लगा तो इसने मोहलत ले लिया अल्लाह से कुछ चीज़ों के हवाले से, और कहा कि मैं इस इंसान को जिसकी खातिर जो है मैं रंदा दरगाह हुआ हूँ, अपने मुकाम से गिरा हूँ, इस इंसान को मैं गुमराह करने की कोई कोशिश करूँगा, और इसने अपने तरीक़े वारदात को अल्लाह के आगे खोल के बयान नहीं कर दिया, और अल्लाह ने हम ज़ईफ़ बंदों पे मेहरबानी फरमाई, अल्लाह ने शैतान की वही जो कॉल था जो उसने अल्लाह के सामने आश्कार किया कि मैं ये चार तरीके बुनियादी इस्तेमाल करूँगा शैतान को गुमराह करने के, अल्लाह ताला ने वो हमारे आगे रख दी, कल के नशिस्त में वही बयान हुए थे आयत नंबर 120 और 119, इन दोनों आयतों में अल्लाह ने शैतान के इन चार तरीकों को बयान फरमाया जिनके ज़रिए से वो
इंसान को गुमराह करता है, और उसने अल्लाह के सामने अपनी ये स्कीम रखी थी। और इन चारों का जो खुलासा है, इन चारों को अगर हम किसी एक लफ्ज में बयान करना चाहें तो उसे हम कह दें झूठ कह दें, धोखा कह दें, फरेब कह दें, ये शैतान का हथियार है। ये जो कुछ भी करता है ये झूठ करता है, जो कुछ भी करता है फरेब करता है, जो कुछ भी करता है ये धोखा देता है, यहाँ तक कि ये अपने मानने वालों को धोखा देता है। जो इसके पीछे लग जाते हैं, जो इसके पैरोकार बन जाते हैं, वो इंसानों में से बने या जिन्नों में से, क्योंकि शैतान जाते खुद जिन्नों में से। सूरह अल-काहफ में अल्लाह ताला ने फरमाई काना मिन अल-जिन्न, जो शैतान है ये जिन्नों में से है, उसकी तखलीक आग से हुई है और उसकी जो नस्ल है, जो उसकी कैटेगरी है जिन्नात की। तो इसके पैरोकार सिर्फ जिन्नात में से ही नहीं होते, इसके पैरोकार सूरह अन-नास में अल्लाह ताला ने फरमाया मिन अल-जिन्नति वन-नास, जिन्नों में से भी होते हैं और इंसानों में से। जो इंसान शैतान के राह को इख्तियार करते हैं, शैतान के तरीके पे चलते हैं, वो शैतान की कैटेगरी में चले जाते हैं, वो शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। तो दो ही ग्रुप पाए जाते हैं दुनिया में, एक अल्लाह के पैरोकार, अल्लाह से डरने वाले लोग, और दूसरे शैतान के पैरोकार, शैतान की ताबेदारी करने वाले लोग। बस ये दो कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो अल्लाह वाली है, वो अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह की रजा उनको मिलती है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह के यहाँ बड़े दर्जे मिलते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है, ये अल्लाह से दूर होते हैं, अल्लाह की लानत फटकार इन पे होती है, और अल्लाह के मकलूब अदाई को ये गुमराह लोग होते हैं, और इनका ठिकाना अल्लाह ने दुनिया में भी बुरा बनाया हुआ है, जानते हैं हर जगह फटकार, और इसके बाद भी हमेशा के लिए दोजख इनका ठिकाना, जहाँ अल्लाह इनको फेंकेगा हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला करेगा। और जो पहली कैटेगरी है, उसको अल्लाह ताला दुनिया में भी अपनी नियमतों से नवाजते हैं, अपना कुर्ब देते हैं, अपना सुकून जो है अल्लाह ताला उनको अता फरमाते हैं, सकीनत अता फरमाते हैं दुनिया के अंदर, खुशी भी देते हैं, और जो है मरने के वक्त भी अल्लाह ताला बड़े प्यारे फरिश्ते भेजते हैं जो बड़े आराम से अच्छे तरीके से उनकी जान कब्ज करते हैं। फिर बरज़ख का ज़माना शुरू हो जाता है, जो उनका वो भी बड़ा अच्छा ज़माना गुजरता है अल्लाह की नेमतों के अंदर, अल्लाह के नाम के अंदर। फिर क़यामत वाले दिन भी वो अल्लाह की नेमतों के अंदर होते हैं, उनका क़यामत का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरता है, क्योंकि वो अल्लाह के बंदे होते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इनको जन्नत में दाखिल करता है, और जन्नत में भी हमेशा के, और फिर अल्लाह हमेशा के लिए इनको अपनी रज़ा अता फरमाता है, हमेशा के लिए इनको अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता करता है। और फिर अल्लाह फरमाता है जन्नत में कि मैंने तुम्हें अपनी रज़ा हमेशा के लिए दे दी है, मैं अब कभी भी आप लोगों से नाराज नहीं होगा, मैं हमेशा तुम लोगों से खुश रहूँगा। जिस तरह शैतान था ना कि अल्लाह के बड़ा करीब हो गया था इबादत करके, एक काम करके, एक वक्त आया कि अल्लाह की नाफरमानी करके तो अल्लाह की रजा से दूर हो गया, महरूम हो गया, और अल्लाह के गुस्से का शिकार हो गया। तो जो जन्नत में अल्लाह अपने बंदे दाखिल फरमाएगा, उनको साथ अल्लाह ताला रजा का परवाना भी देगा, अपनी खुशनुदी का परवाना भी देगा। उसका ये मतलब होगा कि अल्लाह ताला कभी भी इन लोगों से नाराज नहीं होगा, और जन्नत में भी ये लोग हमेशा रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अल्लाह ताला। तो इसी पस मंज़र के अंदर आज की आयात हम देखें तो हमें समझ आएगी, और साथ ही जो अल्लाह ताला ने शैतान के बताए थे ना, जो तरीका वारदात बताए थे, तो उन्हीं सिलसिले में ये तरीका था कि शैतान उनको झूठी आरजुएं दिलाता है। झूठी आरजुएं किस तरह की, मैं इसकी मिसालें पिछली नशस्तों में मैंने बयान की थी, मैं आज फिर मुख्तसर दोहरा देता हूँ कि आज की आयात का भी मौजूद यही है। वो इस तरह से, जिस तरह यहूद नसारा समझते हैं कि हम नहनु अहिब्बाउल्लाह, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, कालत अल-यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, यहूद नसारा
जो अहले किताब जिनको कुरान कहता है, वो कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के चहेते हैं, तो जो है हम तो जन्नत में जाएंगे जाएंगे, कुरान के ठेकेदार हैं हम जन्नत के, और जो है अगर किसी वजह से तो दोजख में हमें जाना भी पड़ा, बस कुछ टाइम के बाद बाहर निकल आएंगे, और फिर जो है हम मुस्तहिक जन्नत के हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा है वो अल्लाह के बड़े चहेते थे। जो है अल्लाह ताला ने उनकी इस तरह की जो भी आरजुएं हैं उनका पोल कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताला ने आशकार किया है कि ये शैतान ने इनको धोखा दिया हुआ है कि तुम अल्लाह के बड़े बरकसीदा नबियों की औलाद हो, तो तुम्हें ये कमाल करने की जरूरत कोई नहीं है, तुम जैसे मर्जी बुरे काम करो दुनिया के अंदर, जैसे मर्जी जुल्म ज्यादतियां करो, तो आखिरकार तुम जन्नत में दाखिल होगे। शैतान ने यहूद और नसारा को धोखा दिया, इसी तरह शैतान ने जितनी मुशरिक कौमें हैं, हिंदू हों सिख हों, और दुनिया में देख लें कि मुशरिक कौमें हर खित्ते में पाई जाती हैं दुनिया में, तो उनको भी शैतान ने क्या धोखा दिया हुआ है कि वो भी अपने लिहाज से उनके पास भी बैठे उनको बातचीत करें, तो वो भी बड़े सच्चे बनते हैं, वो भी जो उन्होंने बुत बनाए होते हैं ना पूजा करने के लिए, वो भी उनके कोई नेक बुजुर्ग होते हैं जो अपने जमाने में अच्छी जिंदगियां जिन्होंने गुजारी होती हैं, तो उनके ही बुत बनाए होते हैं अपने बड़ों के, तो उनको समझते हैं कि ये अल्लाह के करीब है, हमारी अल्लाह सुनता नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि हमारी दुआओं को जो हमारी जरूरियात है इनको अल्लाह के सामने रखते हैं, ये अल्लाह के चहेते हैं, तो इनकी अल्लाह सुनता है, हम गुनाहगार हैं हमारी सुनता नहीं अल्लाह, तो हम इसलिए इनकी पूजा करते हैं, यानी जो बुतों ने बनाए होते हैं ना मुशरकों ने, उनका ये मकसद होता है, और जो है वो कहते हैं हम इनको खुदा नहीं मानते, खुदा तो जो है वो इन सबको बनाने वाला, तो वही खुदा जो सबसे बड़ा, तो इनको हम अल्लाह के मुकर्रम मानते हैं, अल्लाह के चहेते मानते हैं, तो हम गुनाहगार हैं हमारी अल्लाह सुनता नहीं, तो ये अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह की इन्होंने बड़ी इबादत की है, बड़ी अल्लाह की याद में इन्होंने टाइम गुजारा, तो इस वजह से ये अल्लाह से हर बात मनवा लेते हैं, जो भी मनवाना चाहें अल्लाह के सामने बैठ जाते हैं तो अल्लाह इनकी मान लेते हैं। ये मुशरकाना अकायद हमें मिलेंगे दुनिया में जो मुशरकों में, तो ये क्या है असल में, ये सारे शैतान के धोखे हैं जो शैतान ने इंसानों को दिए हैं, तो कुरान पढ़े तो आंखें हमारी खुल जाती हैं कि अल्लाह जो है क्या पसंद करता है, अल्लाह क्या कहता है और अल्लाह को क्या मतलब है। अल्लाह ताला बताता है कि ये ऐसे सारे जो ख्यालात लोगों ने पाले हुए हैं बनाए हुए हैं ये शैतान के धोखे हैं जो शैतान ने इनको दिए हैं, तो यही हाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो मुशरिक थे, जो आपके ज़माने के मुनाफिक थे, उनका भी यही हाल था, तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ जो आयत मुबारका इस यही चीज़ फरमाई, लैसा बि अमानियिकुम, फरमाया कि ना तो जो तुमने झूठी आरज़ूएं पाल रखी हैं, कुम की जो ज़मीर है मुनाफिकीन की तरफ लौट रही है, वला अमानी अहले किताब, और ना ही फरमाया कि अहले किताब ने यहूद और नसारा ने आरज़ूएं पाली हुई हैं वो उनके काम आने वाली है, ये इन्होंने खुद ही बनाई हुई है, अल्लाह ने इनको ऐसा नहीं कहा करने को, तो जो बगैर अल्लाह की सनद के खुद ही चीजें बनाई हुई हैं तो वो कहाँ अल्लाह के यहाँ चले, खोटे सिक्के नहीं काम आएंगे अल्लाह के, ये खोटे सिक्के हैं जो इन्होंने झूठी आरज़ूएं बनाई हैं तैयार की हुई, अल्लाह ने इनका हुक्म नहीं दिया, इनका अल्लाह ने कहीं जवाब नहीं, तो फरमाया कि ना तुम्हारी झूठी आरज़ू में अल्लाह के यहाँ चलनी है और ना ही अहले किताब के, इंशाल्लाह ताला आके कुरान पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ मुकामात पे मुशरिकों की अहले किताब की झूठी आरज़ूएं जो इन शैतान ने इनको फरेब दी हुई अल्लाह ताला खोल खोल के बयान करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ इनकी जो है वजाहत करूँगा, तो अभी मुख्तसरन मैंने बता दिया कि ये जो मुशरिक कौमें और यहूद और नसारा और काफिर जो लोग हैं
इन्होंने जो अल्लाह के बारे में, आखिरत के बारे में ख्यालात बनाए हुए हैं, तो ये सारे इन्होंने अपने पास से बनाए हुए हैं, अल्लाह की तरफ से सदन कोई नहीं है, ये सारे खोटे सिक्कों वाला हाल है। जिस तरह खोटा सिक्का दुकान पे चला जाए, नहीं चलता ना, वापस आ जाता है, कोई नकली नोट जाली नोट दुकान पे बेच दे तो दुकानदार वो लपेट के वापस कर देता है कि ये गाय ले जाए, ये नहीं चलता। तो यही हाल इनकी झूठी आत्माओं का है कि ये अपने आप को धोखा दिए बैठे हैं और दुनिया वालों को धोखा दिए बैठे हैं। अल्लाह के यहाँ ये सिक्के ये करेंसी नहीं चलते, अल्लाह के यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती, नहीं काम आने। अल्लाह के यहाँ क्या काम आना है? फरमाया मैं यअमल सुअन युज़ा बिही, जो तो दुनिया में बुरे अमाल करके जाएगा तो उनको बुरा सिला मिलेगा अल्लाह के यहाँ उनका। यानी अल्लाह के यहाँ अमाल की कदर है, अल्लाह के यहाँ अमाल का मुकाम है, और अमाल ईमान का, ईमान और अमाल सालेह। अल्लाह ताला इसको बुनियाद करार देते हैं कामयाबी की, और जो है जिनके पास ईमान और अमाल सालेह नहीं है वो नाकाम होते हैं। तो यही फरमाया कि जो बुरे अमाल करेगा उसको बुरी सजा मिलेगी, उसका बुरा सिला मिलेगा। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलीयन वला नसीरा, और ये दुनिया में तो समझे बैठे हैं कि हमारे ये बुत, हमारे ये खुदा और हमारे ये बुजुर्ग, हमारे ये पीर मुर्शिद हमें अल्लाह के यहाँ बचा लेंगे, हमारी मदद करेंगे। तो फरमाया कि नहीं, इनके ये काम नहीं आएंगे, ना इनको उस दिन कोई दोस्ती इनके काम आएगी और ना ही इनको कोई मदद मिलेगी। तो मैंने कल के नशिस्त में भी इशारा किया था कि हमारे मुसलमानों का भी आज यही हाल है, इन्होंने भी जो है मुख्तलिफ अकीदे गढ़ लिए हैं और उनकी बुनियाद पे अमल से दूर हो गए, ईमान से दूर हो गए। तो ये बुनियादी बात याद रखने वाली है कि जो भी नज़रिया, जो भी अकीदा, जो भी ख्याल, जो भी सोच ईमान और अमल साले से इंसान को दूर कर दे वो गुमराह। किसी ने परखना हो ना कि कौन सी गुमराही है और कौन सी हदायत है, बस ये एक उसूल याद रख लिया जाए कि जो चीज़ बंदे को ईमान और अमल साले से दूर कर दे वो गुमराही, और जो चीज़ बंदे को ईमान और अमल साले पे ले आए वो हदायत। सीधा सा उसूल है। तो अब आप खुद इस उसूल की बुनियाद पे परख लें कि कौन से अकीदे, कौन सी सोच और कौन से फिक्र और जो कौन सी चीज़ें हैं इंसान को ईमान से और अमल साले से दूर किए हुए, तो वो झूठी हैं, शैतान के फरेब में धोखे हैं, वो काम नहीं आएंगे। यही बात अल्लाह ताला ने 123 आयत मुबारक में बयान फरमाई। ये जो झूठी आरज़ूएं मुनाफिक काफिर मुशरिक अहले किताब बनाए बैठे हैं, और हमारे मुसलमानों का भी आज यही हाल है, इन्होंने भी बहुत सारी झूठी आरज़ूएं और जो है झूठी उम्मीदें लगाई हुई। कईयों ने ऐसे ही जो है डब्बे पीर पकड़े हुए और उन्होंने इनको तसल्ली दी हुई है कि बस तुम आके हमारी खिदमत कर दिया करो, बाकी हमारा दामन तुमने पकड़ लिया है, हमारे हाथों की बैत कर ली है, हम निपट लेंगे अल्लाह से, हम निपट लेंगे इस बार लेंगे अल्लाह को, जब मौका आएगा तो बस तुमने हमारा दामन पकड़ लिया तो हम तुम्हें पकड़ के तो जन्नत में अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत कोई नहीं, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन कोई नहीं, दुनिया जहान के बुरे काम करो, सारे गलत काम करो, तो हमारा चूंकि तुमने दामन पकड़ लिया तो हम फिर किस मर्ज की दुआ है अगर हम तुम्हें जन्नत में ना ले जा सके। तो हमारे मुसलमान अब इस काम पे लग गए, आराम से सारा साल बैठ के बुरे काम करते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं और ना कुरान पढ़ते हैं और ना सदका खराब करते हैं, ना अल्लाह को याद करते हैं, बाकी हर बुरा काम झूठ फ्रॉड धोखा हेरा फेरी सारे गलत काम करते हैं, जुल्म ज्यादा करके। तो फिर साल दो बाद जाके अपने उन पेशवाओं के पास हाजिरी देते हैं, तो एक आध दिन उनके पास गुजारते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और सर्टिफिकेट कामयाबी का लेके घर आ जाते हैं। और जो है जब वक्त गुजरता है, मौत का वक्त आता है, तो बड़े डरावने फरिश्ते सामने आए होते हैं, ये हैरान कि इतने डरावने फरिश्ते क्यों आ गए, मैं तो फलां का मुरीद, मैं तो फलां का मानने वाला, मैं तो फलां का गदा, मैं तो फलां
लाल किरदार का वाबस्ता, तो ये क्या हो गया मेरे साथ? तो फिर कहेगा कि अल्लाह मुझे समझ आ गई थी, तो मैंने अपने आप को भी धोखे में रखा और बाकी लोगों के वो भी मैं मतलब जो झूठ ही बोलता रहा। अब मुझे दोबारा मौका है, अल्लाह ताला किसी को भी दोबारा दुनिया में नहीं भेजता। तुमने देखा किसी को कि अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदगी दे दी हो कि चलो जाके दोबारा दुनिया में टाइम गुजार के? ऐसा नहीं होता। ये एक ही लम्हा दफा अल्लाह ताला देता है जिंदगी, तो इसके अंदर ही समझना है जो समझना है, और इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो लिहाजा मतलब इस दुनिया के अंदर मौका है, जब तक सांस चल रहे हैं, कि इंसान संभल जाए, अल्लाह के अहकाम को समझे कि अल्लाह किन चीज़ों का हुक्म देता है, किन चीज़ों से मना करता है, अपने आप को वैसा बना, यानी रब चाहे जिंदगी गुजारी जाए। और जो मन चाहे जिंदगी गुजारते हैं वो जो है शैतान के पीछे लगे हुए हैं और गुमराही के रास्ते पे लगे हुए हैं। तो इनको जब मौका आएगा तो ये सारे झूठ फ्रॉड सारे हवा हो जाएंगे, काम नहीं आएंगे। उस वक्त काम वही चीज़ें आएंगी जो कुरान में अल्लाह ने कहा है कि काम आएंगे। वो क्या चीज़ें? वो मैं यामल मिन सालिहात, जो नेक अमल करते हैं, न ज़करिन अव उन्था, ख्वाह वो मर्द हों या औरतें, वह मोमिन। दूसरी शर्त ईमान की, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि अल्लाह दो चीज़ों का मुतालबा करता है, एक ईमान का और दूसरा अमले साले का। जब दिल में ईमान होता है तो अमले साले ऑटोमेटिकली होता जब बंदे के दिल में ईमान होता है तो अमले साले खुद बखुद, ईमान बंदे को उभारता है, उठाता है अमल करने, और जो बंदा देख ले के देखना चाहता हो कि मेरे अंदर ईमान है कि नहीं, तो वो ये देखे कि क्या उसका ईमान उसको अल्लाह की तरफ से जब आवाज दी जाती है, जब अल्लाह की मुनादी आती है, अल्लाह की पुकार आती है, तो क्या ईमान उसको उठा के मस्जिद में ले जाता है? अगर तो ले जाता है तो वो बंदा समझ जाए कि मेरे अंदर ईमान है। लेकिन अगर उसका ईमान अल्लाह की पुकार पे, अल्लाह की मुनादी आने पे उठा के मस्जिद में नहीं उस बंदे को लेके जाता, तो वो बंदा फिक्र करे कि उसका ईमान खतरे की हालत, उसका ईमान खतरनाक लेवल पे पहुंच जाता है, जिसके अंदर इतनी भी जान नहीं कि इस बंदे को अल्लाह की मुनादी पे मस्जिद में ले जाए। तो जो ईमान देखें हमें अल्लाह के घर में नहीं दाखिल कर पाता, तो क्या वो ईमान हमें जन्नत जैसी चीज में दाखिल कर दे? ये समझने वाली बात है। तो जो शैतान ने धोखे दिए हुए हैं ना कि तुम्हें फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा, तुम जद्दी मुश्ती मुसलमान हो, तो आखिर मुसलमान होने का क्या फायदा अगर तुम जन्नत में ना गए? तो ये फ्रेंडली मुसलमानों को ही लग रही है, यानी ये जो लेबल मुसलमानों का लगा हुआ है ना, ये गारंटी नहीं है जन्नत में जाने की, ये तो धोखा है। मुसलमानी पहचानी जाती है ईमान से और अमले साले से, और अमले साले से पता चलता है कि इस बंदे के अंदर ईमान है क्या। जिस बंदे के अंदर ईमान होता है वो बंदा अमले साले करता है, नेक अमल करता है, और जिसके अंदर ईमान नहीं होता वो बंदा अमले साले नहीं करता। सीधी सीधी बात है, तो ये बड़ी अहम चीज़ है समझने वाली, जो अल्लाह ताला ने जो कसौटी दी है, मैार दिया है। तो फरमाया ऐसे लोग जिनके अंदर ईमान होता है और वो उस ईमान की बुनियाद पे अमाले सालिया करते हैं, ख्वाह वो मर्द हों या औरतें, फाउलाइका यदखुलूनल जन्नत। अल्लाह क्या फरमाता है? यही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ने इन्हीं लोगों को फरमाया कि ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमून नकीरा, और जो है इनकी कोई भी नेकी अल्लाह रायगा नहीं जाने देगा, जरा बराबर भी नेकी होगी तो अल्लाह उसका भी सिला देगा। नकीर कहते हैं वो जो छोटा सा दाग खजूर की गुठली की बैक साइड पे होता है, उसको नकीर कहा जाता है अरबी में। तो इससे हम अपनी जुबान में कह सकते हैं कि जरा बराबर भी कोई नेकी होगी तो वो रायगा नहीं जाएगी, उसका सिला सामने आ जाएगा। ये अल्लाह ने ईमान और अमले साले का मयार हमें दिया जन्नत में दाखिल होने का, और ये तो अल्लाह का दिया हुआ मयार है। तो सच्ची बात यही है, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया वादल्लाहि हक्का, कि वादा अल्लाह का ही सच्चा है, वमन अस्दकु मिनल्लाहि कीला, तो ये 122 आयत नंबर इसी सूरह की, कि
अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है? तो अल्लाह की बात ही सच्ची है कि अल्लाह वादे भी सच्चे करता है। इसके मुकाबले में जो शैतान है वो सरासर झूठ है, वो खुद भी झूठ फराड है, और उसके सारे वादे, उसकी सारी आरजुएं, उसके सारे लालच, सारी हिर्स उसकी जो दिलाता है वो सब झूठ धोखा है। वमन अहसन दीना मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह। अब अल्लाह ताला ने बताया कि मेरा पसंदीदा दीन कौन सा है। अल्लाह ने अपना पसंदीदा मजहब, पसंदीदा दीन बताया, फरमाया वो इस्लाम। एक और मुकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान में, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह को दीन तो दीन इस्लाम पसंद है, अल्लाह के पास बस यही दीन है जो हदायत वाला दीन। यहाँ भी वही बात बयान फरमाई कि और फिर जो है फरमाया कि वमन यबतगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक्बल, जो भी इंसान इस्लाम को छोड़कर कोई भी और दीन अल्लाह के पास लेके आएगा, फलन युक्बल, अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसके मुंह मार देगा कि ये मेरा मतलूब दीन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, दे जाओ। अल्लाह को बस एक ही दीन पसंद है और वो कौन सा है? दीन इस्लाम। यही बात अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई, वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, कि अल्लाह को पसंदीदा दीन दीन इस्लाम, वजहहु लिल्लाह, और इस दीन की जो खसूसियत है वो ये है कि इसको मानने वाला अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका देता है, अल्लाह के हर हुक्म के आगे, अल्लाह के हर फरमान के आगे इस दीन को मानने वाला अपनी गर्दन झुका देता है, अल्लाह के हर हुक्म को बिला चूनो चरा मानता है। वह हुआ मोहसिन। मोहसिन कहते हैं किसी चीज को अच्छे तरीके से सरंजाम देना, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका होता है जिसको कहते हैं सबसे अच्छा तरीका। तो ईमान वाले जो अल्लाह की बंदगी करते हैं, चलते हैं, तो वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो सबसे अच्छा तरीका होता है उस काम को करने का उसको इख्तियार करते हैं। वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और जो है ये जो मिल्लत है, मिल्लत इब्राहिमी है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जत्थे अमजद थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाप थे। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दीन इस्लाम वहाँ से शुरू हुआ था, दीन इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गया था, आदम अलैहिस्सलाम भी इस्लाम के ही पैरोकार थे, वो भी दीन इस्लाम के मानने वाले थे, और जितने नबी आए, जितने जो है अल्लाह के नेक बंदे थे, सब के सब दीन इस्लाम पे थे, सारे अल्लाह के नबी दीन इस्लाम पे थे। तो इब्राहिम अलैहि सलाम की खसूसियत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे, और इन्होंने जो है इसी दीन इस्लाम को मजीद निखार दिया, और जो है बहुत आला दर्जे की इन्होंने मिसालें कायम की, अल्लाह की इत्तबा की, तबेदारी की, और उस वजह से अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास खास मुकाम दिया। यहाँ भी फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी ताबेदारी की वजह से, उनकी अल्लाह की फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह ने खलील का मुकाम अता फरमाया। खलील कहते हैं जो अल्लाह के बहुत करीब हो। तो जिस तरह पिछली नशिस्तों में भी मैं बात करता रहा हूँ कि हर बंदा माल के लिहाज से अल्लाह के करीब होता जाता है, तो सारे लोग अल्लाह के यहाँ एक जैसा दर्जा नहीं रखते, सारे नबी भी एक जैसा दर्जा अल्लाह के यहाँ नहीं रखते, हर एक का अपना अपना दर्जा होता है, अपना अपना मुकाम होता है। तो जो बंदा अल्लाह को जितना इखलास के साथ और जितनी अल्लाह की ज्यादा ताबेदारी करता है, वो अल्लाह के यहाँ उतना करीब होता जाता है, अल्लाह के उतना नज़दीक हो जाता है, और अल्लाह के यहाँ बड़े मर्तबे पाता है, बड़ा मुकाम उसको मिलता है। तो
इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी जब अल्लाह की ताबेदारी की, अल्लाह की फरमाबरदारी की, उन्होंने बहुत आला मिसालें कायम की, तो अल्लाह ने उनको भी जो बड़े मुकाम से नवाजा, दुनिया का इमाम बनाया। आला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमाम, कि ऐ इब्राहिम अब मैं तुझे इमाम बनाने लगा हूँ दुनिया का। और यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी ताबेदारी की वजह से मैंने खलील का मुकाम अता फरमाया। ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुकाम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और फरमाया कि जो कुछ आसमानों जमीन में है सारे का सारा अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह मालिक है हर चीज का। वकान अल्लाह बिकुल शय मुहीत, और अल्लाह ताला हर चीज का इहाता किए हुए, उसकी कुदरत उसकी ताकत बहुत बड़ी है, कोई चीज उसके इहाते से उसकी कुदरत से बाहर नहीं। तो ये एक तरह से वार्निंग है उन लोगों को जो अल्लाह की ताबेदारी नहीं कर रहे। अल्लाह ने जिस दीन को मसद फरमाया है, दीन इस्लाम को, उस पे जो है नहीं चल रहे, ईमान अमले सवाले की जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो अल्लाह कह रहा है कि जो है तुम ये राह जो इख्तियार किए बैठे हो तो ये ज्यादा देर तक नहीं चलनी, ये बस दुनिया के अंदर जो है मोहलत मिली हुई है। जिस तरह के पिछले नशिस्त में भी इसका जिक्र आया था आयत नंबर 115 के अंदर, अल्लाह ताला ने फरमाया था وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, कि जो जानते बूझते हुए गुमराह की राह इख्तियार करता है, शैतान की राह इख्तियार करता है, फरमाया कि हम उनको ढील दे देते, हम उनकी रस्सी दराज कर देते, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ, ताकि ये अपनी जहन्नम को पक्का कर ले। जब रस्सी दराज होती है किसी इंसान की, फिर वो बुराई बुराई करता जाता, गलत काम पे गलत काम करता जाता, तो ऐसा करके वो अपने दोजों को पक्का करता है। तो फरमाया कि ये हमारा उसूल है, हमारा तरीका है, कि जो भी इंसान जानते बूझते गुमराही की राह इख्तियार करता है तो हम फिर उसकी रस्सी दराज कर देते, उसको फिर डील दे देते, मोहलत दे देते कि लोग करते जाओ, और आखिरकार फिर अल्लाह की पकड़ आती है, और फिर ऐसी आती है कि फिर उससे बचाने वाला कोई नहीं होता दुनिया जहान, कि दुनिया जहान की हर चीज आसमानों पे हो, जमीन पे हो, इनसे बाहर हो, इनके अंदर हो, वो अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह के कब्जा कुदरत में, अल्लाह वाहिद मालिक है हर चीज का कायनात के, और उसकी कुदरत उसकी ताकत मुहीत है हर चीज पे, हर चीज का इहाता किया है, कोई भी चीज अल्लाह की कुदरत से निकल नहीं सकती। वयस्तफ्तूनका फिन निसा कुल अल्लाह युफ्तीकुम फीहिन वमा युतला अलैकुम फिल किताब फिल यताम अन्निसा وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. یہ خاتمہ ہے سورہ کی آیات, یہاں سے شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 127 127 جو آیت ہے یہ 19 رکوع سورۃ النساء کا, یہاں سے اس سورہ کی جو اختتام کی آیات ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں. تو اب اس میں جو سورہ کے شروع میں مطالب بیان ہوئے تھے, جب ہم نے سورۃ النساء شروع کی تھی تو شروع کی جو آیات تھیں 2, 3, 4, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یتامہ کے مسائل بیان فرمائے تھے, یتیموں کے, ایسے بچے جن کے باپ فوت ہو جائیں اور وہ بچے یتیم ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان فرمائے تھے. تو ان حقوق کو میں ایک دفعہ دوبارہ مختصرا ریوائز کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ آیات سمجھنے میں آسانی ہو جائے, کیونکہ پھر انہی سے متعلق کچھ سوالات مسلمانوں کے اندر سے پیدا ہوئے تھے, جن کا جواب دینے کے لیے یہ آیات جو 127 اور 128 129 یہ آیات جو ہے ان کے ذمن میں آئی ہیں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے. تو اب یہ سورۃ النساء کی دوسری آیت مبارکہ, اس میں فرمایا تھا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ,
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग फौत हो जाए और बच्चे उनके छोटे हों, यतीम हों छोटी उम्र में, और उनके बाप ने उनके लिए जायदाद छोड़ी हो, विरासत छोड़ी हो, अमवाल छोड़े हों, तो अब जो वरसा हो रहे हैं, जो वारिस बन रहे हैं, जो उनके अब मतलब जो है जो कस्टोडियन बन रहे हैं बच्चों के, तो उनके बारे में अल्लाह ने कहा कि अलर्ट हो जाओ कि ये न समझो कि यतीम है, इनका बाप नहीं है, ये बेचारे कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ है, तो तुम जैसे चाहो इनके मालों को हड़प कर जाओ, फरमाया ऐसे ना करो। वो आतुल यतामा अमवाला, जो यतीमों के माल हैं फरमाया वो उन्हीं की मलकियत है, तुम जो है उसके हकदार नहीं बन सकते, तो तुम उनके मालों की हिफाजत करो और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करो। वला ततबद्दलुल खबीसा बिततय्यिब, मैं वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि जब ये हमने आयात की थी तो वो हमारे मतलब रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, जो भी सुनना चाहे वो उनको जाके सुन सकते हैं तफसील के लिए। तो अभी सिर्फ मैं ये बताऊँगा जो चीज़ें समझने वाली हैं कि अल्लाह ताला ने यतीमों के अमवाल की हिफाजत, जो उनके कस्टोडियन बनते हैं उनके बाप की वफात के बाद, उनको लाने वार्न किया, आगाह किया कि तुमने यतीमों के माल हड़प नहीं करने, और कोई भी ऐसा तुमने तरीका नहीं निकालना कि तुम धोखे के साथ, हेरा फेरी के साथ उनके मालों को खाना शुरू कर दो। तो फिर इसी ज़िमन में अल्लाह ताला ने एक हदायत ये दी थी कि बाज़ गात ऐसा होता है कि उन यतीमों की जो माएँ हैं वो बच्चों के हकूक का आमतौर पर ज़्यादा ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो माँ होती हैं, तो माँ को अल्लाह ने ऐसा दिल दिया है, जज्बा दिया है कि वो बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं, खासतौर पर जब बच्चे यतीम हो जाए तो माओ के अंदर और जज्बा बढ़ जाता है उनके ख्याल रखने का। तो इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने जो वर्सा बाद में जो है होते हैं उनको कहा, आगाह करके मुसलमानों को कि वह इन खिफ तुम अल्लाह तो उसे तो फिर यतामा, कि अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम यतीमों के मालों में इंसाफ नहीं कर सकोगे, उनका ख्याल नहीं रख सकोगे, तो फिर तुम उनकी माओ के साथ निकाह कर सकते हो, दो तक, तीन तक, चार तक। यही आयत है जो लोग जो है तअद्दुद अज़वाज के सिलसिले में पेश करते हैं, लेकिन ये आयत नाजिल किसी पस मंजर में हुई है और इसको पेश वो किसी और पस मंजर में करते हैं, तो समझना ज़रूरी है कि आयत मुबारक किस या कुछ बात के अंदर है। मैं बारह पहले भी इस चीज़ का जिक्र करता रहता हूँ कि अल्लाह के किसी भी हुक्म को समझने के लिए उसके या कुछ बात में उसको समझना पड़ता है, उसको उसकी जगह से उठा के हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं ठीक समझ सकेंगे, हर आयत को उसकी जगह पे रख के समझेंगे तो फिर उसकी समझ आएगी तो वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ भी फरमाया कि अगर तुम्हें खौफ हो, डर हो, के मालों की हिफाजत नहीं कर सकोगे, हेरा फेरी तुमसे हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, तो फरमाया कि फिर तुम्हें अल्लाह इजाजत देता है कि तुम उन यतीम बच्चों की माओ से निकाह कर सकते हो, दो तक कर सकते हो, तीन तक कर सकते हो और चार तक कर सकते हो। फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फवाहिदा, दूसरी ये चीज अल्लाह ने बयान फरमाई कि अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम अपनी जो दूसरी करोगे, तीसरा करोगे या चौथा करोगे, तुम अदल नहीं रख सकोगे बीवियों के दरमियान, अदल नहीं रख सकोगे, तुम ये डालो उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर फवाहिदा, तो फिर फरमाया कि तुम्हें इजाजत नहीं है दूसरा निकाह करने की, तीसरा करने की या चौथा करने की। ये बड़ा अहम मसला समझने वाला। तो एक तो अल्लाह ने इसमें शर्त रखी अदल की, अदल होना चाहिए, और जो पहली शर्त बयान फरमाई कि तुम्हें खौफ हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो ये एक ऐसी शर्त है कि जो यतीमों के लिहाज से और
कुछ लोगों ने यहाँ मुगालता खाया है कि उन्होंने ये जो दूसरा तीसरा चौथा निकाह है उसके लिए उन्होंने इस शर्त को भी लाजमी समझ लिया। तो ये मुगालता है, उम्मत का अमल इसके खिलाफ है, पूरी उम्मत जो है इस चीज के हक में नहीं है। और सहाबा इकराम का अमल, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है वो ऐसा नहीं था। तो जिन लोगों ने इसको भी शर्त लाजम समझा है उनको ठोकर लगी है, उनको गलत धारणा दी है। तो ये ऑप्शनल शर्त है जो यतीमों की लाश से सिर्फ अल्लाह ने बयान की है, वैसे दूसरे तीसरे चौथे निकाह की इसके अलावा भी जायज है। तो लेकिन शर्त क्या बयान फरमाई कि एक अदल है, तुम अल्लाह तादिलो, कि अगर तुम ये डरो कि तुम अदल नहीं कर पाओगे बाकी बीवियों के साथ तो वाहिदा, तो फिर तुम्हें दूसरे तीसरे चौथे निकाह की इजाजत नहीं। तो फिर इसके बाद अगली शर्त चौथी आयत में अल्लाह ने बयान फरमाई, वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला। ये शर्त है हक मैन की, ये जो है ये भी लाजमी शर्त है अरब के अंदर और जाहिलियत के अंदर लोगों के अंदर ये रिवाज था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर जो चाहता था करता, और औरतों का दर्जा ज़ईफ सिनफ का था, कमजोर सिनफ थी औरतों की, तो लिहाजा इसके साथ जो ज्यादती करना चाहते कर लेते, हक मेहर भी देना जरूरी नहीं समझते थे, औरतों को हक मेहर भी नहीं देते। तो अल्लाह ताला ने इसको लाजम कर दिया, कहा कि तुम औरतों से हक मेहर के बगैर निकाह नहीं कर सकते। तो जब ये आयात मैंने बयान की थी आपको याद होगा, तो मैंने बड़ी तफसील से उस वक्त बताया था कि हमारे आज के मुसलमान भी अल्लाह के इन अहकाम को तोड़ने के लिए कैसे कैसे हीले निकालते हैं। मैं थोड़ा सा इशारा करूंगा कि आज भी बड़े दीनदार लोगों से मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि पता नहीं 32-33 रुपए शरई हक में, कितना 32-33 रुपए, हाँ यानी इसके आसपास ना, ये बहुत सारे लोगों से ये मसला सुनने को मिलेगा आपको कि इतना शरई हक में। ये शैतान ने धोखे दिए हुए हैं लोगों को, अल्लाह के हुक्मों को इन्होंने मतलब जो है तोड़ने के तरीके निकाले हुए हैं, चोर दरवाजे निकाले हुए हैं। तो ये दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं ऐसी बातों से, अल्लाह को नहीं दे सकते। मैं जब याद ध्यान की थी तो वहाँ मैंने दलाइल दिए थे कि अल्लाह का हक मेहर के बारे में क्या फरामीन है, अल्लाह के क्या अहकाम, और हम मुसलमान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने के कैसे चोर दरवाजे निकालने, ये धोखे हम सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं या अपने आसपास वालों को दे रहे हैं, अल्लाह इन धोखों में आने वाला नहीं है, वो मालिक अलीम के साथ सुदूर है, बड़ी कुदरत वाला, बड़ी ताकत वाला। तो ये दो शरायत अल्लाह ताला ने लाजमी रखी थी निकाह करने के लिए, एक अदल की शर्त और दूसरी हक मेहर की शर्त। जो है अब यही चीजें मैं बताने के लिए यहाँ पीछे आया था सूरह निसा के शुरू में, ये सूरह निसा की 2 से लेकर 4 नंबर आयात है। तो इसके बाद फिर अगली भी जो आयात बयान हो रही है ना, यतीमों के अमवाल की हिफाजत के लिए ही वो आयात है, तो वो जो है जो भी देखना चाहे सूरह निसा के शुरू की आयात वो खुद मुताला कर सकता है, या हमारे जो पिछले दरस है उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है वो भी देख सकता है। तो अब मैं इसी मौके पे आ जाता हूँ जो हमारी आज की आयात हो रही है, कि ये असल में ये जो पहले अहकाम आ चुके थे सूरह निसा के शुरू में, इनसे मुतल्लक सवालात मुसलमानों के जहन में जो है पैदा हो रहे थे। वो क्या सवाल थे, एक तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि हम जो है यतीमों की माल की हिफाजत के पेशे नजर ही उनकी माँ से निकाह कर रहे हैं, तो अब हम कर तो उन्हीं के फायदे के लिए रहे हैं, उनकी औलाद के फायदे के लिए ये निकाह कर रहे हैं, तो हम हक मेहर क्यों दें। ये सवाल मुसलमानों के उस वक्त जेहन में आ रहा था, क्योंकि हक मेहर जैसे मैंने बताया कि थोड़ा नहीं देना होता, एक बड़ी रकम होती है, तो ये बड़े बड़ों की जो है वहां पे आके तो सोच में पड़ जाता है वो कि मैं क्या करूँ, दूँ कि ना दूँ। इसी वजह से जो है मुसलमानों ने भी हीले निकाले हुए हैं अल्लाह के इन अहकाम का मजाक उड़ाने के लिए। तो मैंने कहा था कि ये भी जो है बाज आ जाए लोग इन कामों से और अल्लाह
अल्लाह के हकाम के साथ मजाक ना करें, इन कामों को छोड़ दें। तो उन लोगों ने भी यही सवाल किया कि यार हम यतीमों की माल की हिफाजत के पेश नज़र उनकी खातर ही तो निकाह कर रहे हैं इनकी माँ से, तो हम हक में हम क्यों दें इनको, ये सवाल आया। और दूसरा सवाल अदल का आया कि अदल की शर्त भी कोई छोटी शर्त नहीं है, ये भी बहुत बड़ी शर्त है। अदल का मतलब कि दूसरी औरत है, तीसरी है, चौथी है, दो है, तीन है या चार है, तो उनके दरमियान इंसाफ करना, उनके दरमियान अदल कायम करना, ये भी बहुत बड़ी सिफत है और ये बहुत बड़ा काम, छोटा काम नहीं है। ये जो ये काम करते हैं उनको पता होता है जब इस मरहले से गुजरना पड़ता है उनको कि ये कितना मुश्किल काम है, कितना अहम काम है, बड़ा काम है। अब पहली शर्त के बारे में तो अल्लाह ताला ने जो है हुक्म दे दिया कि पहले तो अल्लाह ताला ने बताया भाई अस्तूना का ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की ज़मीर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुखातिब है कि आपसे ये लोग औरतों के बारे में मसाइल पूछ रहे हैं, उनके हक मेहर के बारे में और उनके बारे में अदल के बारे में कि क्या आता قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ, तो फरमाया कि मैं अपने पास से तुम्हें इनके जवाब नहीं दे रहा, बल्कि ये अल्लाह की वही है, अल्लाह की रहनुमाई है, मैं जिनके मुताबिक तुम्हें इनके जवाब दे रहा हूँ। وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ, فرمایا کہ اسی ضمن میں جو اسی سورہ کے اندر پہلے آیات آ چکی ہیں نا جن کی میں نے ابھی تلاوت کی تھی جا کے شروع میں سورہ آیت نمبر 2 سے لے کر آن پر جو ہے, فرمایا ان کو بھی مد نظر رکھیں کہ وہ بھی برقرار ہے, ان کا حکم بھی وہ بھی اپنی جگہ پہ اٹل ہے, ان کا حکم بھی بدلا نہیں ہے۔ پھر جو ہے یہ تو نہ ہونا ماں کو تب اللہ ہونا کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم ان کے حق مہر نہ دو عورتوں کے جن کے یتیم بچوں کی خاطر تم جن سے دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کرنا چاہتے ہو, وترغبون ان تنکحوهن, اور نکاح تم کرنا چاہتے ہو ان سے, یہ تمہاری خواہش ہے, تو فرمایا کہ تمہیں حق مہر کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں, جو حق مہر اللہ نے جو رکھے ہیں ان کو پورا کرو ان کے مطابق, المستضعفین من الولدان, جو کمزور بچے ہیں ضعیف بچے ہیں, یہ وہی یتیموں کی طرف اشارہ ہے, انہی کو کہا گیا, وان تقوموا للیتامى بالقسط, کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا یتیموں کے معاملے میں انصاف پہ قائم رہو اور جو ہے صحیح راہ پہ عدل پہ قائم رہو, وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, اور جو بھی فرمایا کہ تم نیک کام کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے, اللہ اس کو جانتا ہے, اللہ کا علم بہت بڑا بہت وسیع ہے, تو ایسے جملے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے ذمن میں لاتا ہے جس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام پہ اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ عمل کریں, ان کو ہنسی مذاق نہ بنائیں اور ان کے ساتھ یہ رکھ دیں تو کافر نہ کریں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بیان فرمائی کہ ایسا ہوتا ہے بعض کا کہ عورت کو ڈر ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ بے رغبتی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جو ہے وہ جو ہے اعراض کر رہا ہے, نعرہ کشی کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے صورت بتائی فلا جناح علیہما, تو پھر فرمایا کہ ان میاں بیوی پہ جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے, ان یصلحا بینہما صلحا, کہ وہ آپس میں مصالحت کر لیں, کوئی سمجھوتا کر لیں جس سے ان کا تعلق برقرار رہے, زن و شوق کا خاندان کا سلسلہ جو ہے برقرار رہے, یہ نہ کوئی جس طرح کے پہلے بھی جب یہ مسائل آئے تھے نے وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ چیز ہے وہ گھر کا آباد رہنا ہے, اس کا قائم رہنا, یہاں بھی اللہ نے وہی فرمایا وصل وہ ہے کہ مصالحت کا طریقہ کار کے بہتر ہے, وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور یہ حقیقت بھی بیان کی کہ
नफ्सों के अंदर आमतौर पे हिरस लालच ये पाया जाता है। देने वाला चाहता है कि मैं कम से कम दूं और लेने वाले की ख्वाहिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दूं। तो ये हिरस लालच ये आम इंसानों के अंदर पाया जाता है। तो फरमाया कि इसके बावजूद भी तुहसिनु अगर तुम एहसान से काम लो वतत्तकु तकवा से काम लो फइन्न अल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा तो जो भी तुम अमल करोगे अल्लाह को उसकी खबर है अल्लाह उसको जानता है अल्लाह पाक है। यानी अल्लाह के तकवे के साथ इखलास के साथ और सही नीयत के साथ अल्लाह ने तरगीब दी काम करने की और एहसान के जरिए अच्छे तरीके से काम करने के लिए कहा। और फिर जो लोगों के अंदर अदल के हवाले से सवाल पैदा हो रहा है उसका अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु तस्ततीउ अन तअदिलु बैनन निसाई वल हरस कि जो अदल फरमाया तुम समझे बैठे हो कि मतलब जो है बिल्कुल हर चीज में दोनों को एक जैसा रखें तो फरमाया ये तुम्हारी जो है गलत सोच है ऐसा अदल कोई भी नहीं कर सकता। मैं इसके हवाले से एक जो है लतीफा सुनाता हूँ। पिछले दिनों मेरे सामने नजर से गुजरा कि एक बंदे की दो बीवियां थी और वो बेचारा उन दोनों के दरमियान अदल करने की पूरी कोशिश करता था इंसाफ करने की पूरी कोशिश करता था। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो दोनों एक ही वक्त में फौत हो गए। अब उसने जो है ऐसा किया कि एक दरवाजा था उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक का जनाजा पहले ले जाऊं तो दूसरी जो है ना वो बाद में कहीं रह जाए। तो उसने एक और दरवाजा बनवाया ताकि मैं दोनों का जनाजा भी एक ही वक्त में घर से निकाल। यानी उसने अपनी तरफ से इंसाफ की कोशिश की कि दोनों के दरमियान में अदल इंसाफ करूँ। तो जब रात हुई तो उसको ख्वाब आया तो एक बीवी कहती है कि तुमने मेरे साथ अदल नहीं किया। तो वो कहता है कि मैंने कैसे नहीं अदल किया, देखो मैंने इतना इंसाफ किया कि दरवाजा भी मैंने एक नया दीवार तोड़ के बनाया ताकि तुम दोनों का जनाजा भी एक ही वक्त में एक ही साथ घर से निकले, तो मैंने कैसे नहीं अदल किया। वो कहती है कि तुमने दूसरी बीवी को तो जो है वो नए दरवाजे में से गुजारा और मुझे तुमने पुराने दरवाजे से गुजारा। तो ये देखने में लतीफा मालूम होता है। तो ये जो है सोच उस वक्त भी कुछ लोगों के जहन में थी ऐसी, वो समझते थे कि शायद मतलब जो है ये जो है बिल्कुल हर चीज में बराबरी दोनों के अंदर इसका नाम अदल है। तो अल्लाह ताला ने इस सोच की इस्लाह फरमाई, फरमाया कि ये अदल नहीं है, अल्लाह का ये मुतालबा नहीं है। तो ऐसा तो फरमाया तुम कर ही नहीं सकते, ये तो इंसान के बस में ही बात नहीं है जो तुम सोचे बैठे। तो जो अल्लाह को चीज मतलूब है वो ये है फला तबीलु कुल्लल मई कि तुम ऐसा ना करो कि एक औरत की तरफ बिल्कुल ही झुक जाओ फता दरूहा कल मुअल्लका और दूसरी को तुम मुअल्लक छोड़ दो। यानी देखने वालों को साफ पता चले कि ये सिर्फ एक का ख्याल रख रहा है और दूसरी के साथ ज्यादती कर रहा है। यानी ये अदल अल्लाह ने बताया कि देखने वालों को जाहिरी तौर पर जो है जो भी देखे मालूम करे तो उसको मालूम हो कि अदल कर रहा बंदा। यानी ये तकाजा है जो कि मतलब जो है हर बंदा कर सकता है। तो ऐसा ना हो कि एक मुअल्लका मालूम हो कि एक पलड़ा बिल्कुल उठा हुआ है मुअल्लक है और दूसरा झुका हुआ। फरमाया ये चीज अल्लाह का फरमान है अदल से मुराद ये नहीं है कि हर चीज में दोनों को तुम बिल्कुल बराबर कर दो या तीन है दोनों को या चार है दोनों को। और आगे वही जुमला तंबीह का जो अल्लाह ताला अपने अहकाम के ज़िम्मे में लाता होता है अगर तुम इस्लाह से काम लोगे तकवा से काम लोगे तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला। और आखिर एक मतलब छोटी सी आयत मुबारक अल्लाह ताला ने दूसरी ऑप्शन की भी बता दी क्योंकि दूसरा ऑप्शन बहरहाल अल्लाह का मतलूब नहीं है मकसूद नहीं है लेकिन मौजूद होता है वही तफर्रका कि अगर नौबत यहाँ तक पहुँच जाती फर्का पड़ जाता है जुदाई हो जाती है युग्निल्लाहु कुल्लम साथ। तो फिर जो है अल्लाह की कायनात बड़ी वसी है अल्लाह की वसत बहुत ज्यादा है तो वो हर एक को एक
गनी कर सकता है अपनी वसत की बुनियाद पे, अपनी कशाइश की बुनियाद पे। वकान अल्लाह वासिअन हलीमा, और अल्लाह ताला वसत वाला, हिकमत वाला, अल्लाह ताला